नमस्ते बच्चों, सोशल स्टडी में अभी तक हमने हिस्ट्री का लेसन वन और सिविक्स का लेसन वन कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज हम जो तीसरा पार्ट है हमारे एसएसटी का, जियोग्राफी का, जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा निवास स्थान जहां हम रहते हैं, जो जियोग्राफी से संबंधित है, भूगोल से संबंधित है। उसका जो पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी की सोलर सिस्टम में क्या स्थिति है या पृथ्वी किस प्रकार से उसका काम क्या है, वो सोलर सिस्टम पढ़ेंगे आज। पेज नंबर हियर, इसको छोड़ दो, इसको। चलिए, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सूर्यास्त हो जाता है उसको, उसके बाद स्काई में, आसमान में देखना कितना वंडरफुल लगता है, कितना आश्चर्यजनक लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन आर टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले तो किसी ने नोटिस किया होगा कि एक या दो चमकती हुई, शाइनिंग करती हुई, चमकीली डॉट्स होगी। सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, लेकिन अब धीरे धीरे देखोगे कि जल्दी आप देखोगे कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, आप उनको गिन नहीं सकते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट, अदर्स डिम। और आप देखेंगे कि पूरा आसमान चमकते हुए चीजों से भर जाता है, कुछ चमकीली होती है और कुछ डिम होती है, ज्यादा नहीं चमकती, डिम होती है, मध्यम होती है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, और ऐसा लगता है कि आसमान हीरो से जड़ा हुआ है, कि आसमान में हीरे लगे हुए हैं। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। अब देखिए, अब जब देखते हैं तो क्या होता है, सभी कैसे लगते हैं, टिमटिमाते दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप देखोगे केयरफुली, ठीक से आप उसको देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ उसमें से ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ टिमटिमा रहे हैं और कुछ नहीं टिमटिमा रहे हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। और वे क्या करते हैं, दे सिंपली ग्लो करते हैं, चमकते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, बिना किसी टिमटिमाट के। और कैसे, जस्ट एज द मून शाइन्स, जैसा कि मून चमकता है, शाइन करता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different position. आप जब चंद्रमा को देखते हो कि अलग अलग समय पर वो अलग अलग शेप में दिखता है, ठीक है, अलग अलग पोजिशन में वो दिखता है। You can see the full moon only once in about a month's time. और आप देखते हैं कि महीने में एक ही बार आप पूर्ण चंद्रमा देखते हैं, पूरा चंद्रमा देखते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, इट इज अ फुल मून नाइट आर पूर्णिमा, उसको पूर्ण चंद्रमा कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उस रात को, पूर्णिमा कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और जब 15 दिन बाद आप देखोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और उसको न्यू मून डे कहते हैं या अमावस्या कहते हैं, न्यू मून नाइट कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। आप देखिए, देखते हैं क्या होता है, जब आप चंद्रमा देखते हैं आसमान में तो पूर्णिमा के दिनों क्या होता है, पूर्ण चंद्रमा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर चंद्रमा आकार उसका घटता जाता है, और फिर क्या हो जाता है, रात, मतलब अपने को जब अंधेरा टाइप दिखता है, मतलब उस समय क्या होता है, वो अमावस्या होती है। On this day, you can watch the night sky best, provided it's a clear night. ठीक है, और उस दिन आप देखेंगे, क्या देखेंगे, you can watch the night sky best. Night sky बहुत अच्छा दिखता है, provided it's a clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright teeny objects during the day? क्या आपने कभी देखा होगा, क्या आप सोचा कभी आपने कि जब ये मून है वो जो दूसरे स्टार्स हो, ये आपको दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? रात में तो हमको दिखते हैं, लेकिन दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउड
us to see all these bright objects of the night sky. ऐसा क्या होता है कि भाई रात में तो हमको चंद्रमा और तारे और सब दिखते हैं, लेकिन दिन में नहीं दिखते हैं। तो दिन में नहीं दिखने का कारण यह है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो रोशनी है, उसमें क्या होता है, हमको ये चीजें नहीं दिखाई देती, ना मून दिखता है, ना तारे और सब दिखते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। एक तो सूर्य और रात में जो भी मून, चंद्रमा और दूसरे जो तारे और सब चमकते हैं रात में, इनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, इनको आकाशीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। They are made up of gases. वो gases के बने होते हैं। They have their own heat and light, which they emit in large amounts. उनकी खुद की heat होती है, गर्मी होती है, और उनकी रोशनी होती है, और वे कब क्या करते हैं, बहुत large amount में, बहुत बड़ी मात्रा में वो क्या करते हैं, उसको पैदा कर, वो emit करते हैं। Emit मतलब प्रकाशमान होता है या दिखता है, मत कहना निकालते हैं, उसको उत्सर्जित करते कह सकते हैं। These celestial bodies are called stars. और इन्हीं celestial bodies को क्या कहते हैं? Stars कहते हैं। The sun is a star. सूर्य भी एक तारा है, star है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so teeny because they are very far, very very far. अब देखिए, बहुत सारे अनगिनत चमकते हुए तारे हम आसमान में देखते हैं, जो कि सूर्य के समान होते हैं, लेकिन है ना, लेकिन हमको उसकी हीट, मतलब उसकी गर्मी और उसकी लाइट हमको दिखती नहीं, गर्मी महसूस नहीं होती है और लाइट दिखती नहीं है, उसका प्रकाश नहीं दिखता है, क्योंकि है ना, और वे बहुत छोटे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे हमसे बहुत दूर हैं, हमसे बहुत दूर हैं। बहुत सारे तारे सूर्य के बराबर हैं, है ना, ठीक है ना, लेकिन वे सूर्य से बड़े भी होते हैं, लेकिन हमको क्या होता है, उसकी गर्मी महसूस नहीं होती है, उसकी लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि क्या होता है, वे बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे दिखते हैं हमको, एक तो है ना, क्योंकि इसका कारण यह है कि वो हमसे बहुत दूर हैं। उनके छोटे होने दिखने का कारण क्या है कि वो हमसे बहुत दूर हैं। आप ये चित्र देखिए, इधर चित्र लेफ्ट हैंड साइड में है, पेज नंबर 2 पर एक लड़की यहां पर दिखे, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। अब इसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप सभी ने इस बात को तो नोटिस किया होगा, किसी भी चीज को हम जब दूर से देखते हैं तो बहुत ही छोटी दिखती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। और हम जब देखते हैं कि एरोप्लेन जो कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर जब उड़ता है, तो हमको बहुत छोटा दिखता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. और जब आपने रात में देखा होगा कि क्या होता है, अलग अलग patterns होते हैं, जो कि किसके द्वारा, अलग अलग तारों के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं। These are called constellations. और इनको क्या बोलते हैं, constellations बोलते हैं, यानी कि तारामंडल बोलते हैं, constellations, तारामंडल। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। और उन कॉन्स्टेलेशन में कौन कौन है? उर्सा मेजर और बिग बियर। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई, सॉरी, इज द सप्तऋषि। और सबसे जो आसानी से हम जिसको पहचान सकते हैं कॉन्स्टेलेशन को, तारामंडल को, वो क्या है? सप्तऋषि है, यानी कि सेवन स्टार। ऋषि मतलब सेजेस, संत। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। जो कॉन्स्टेलेशन जिसको सप्तऋषि बोलते हैं, वो सात तारों का एक ग्रुप होता है। जैसे कि चित्र में देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर लड़की देख रही है, यहाँ पर पॉइंटर स्टार्स जो दिख रहे हैं, सात तारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, इनको सप्तऋषि है ना, सेवन स्टार बोलते हैं इनको, सप्तऋषि। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स हो गया, that form a part of Urza Major constellation. Ask someone elder in your family. ठीक है। अब नीचे आ जाए, second paragraph, next paragraph है। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. प्राचीन समय में क्या होता था कि तारक की माध्यम से, तारक की सहायता से, स्टार्स की सहायता से लोग क्या करते थे, डायरेक्शन निर्धारित करते थे।
तारों के माध्यम से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, और जो नॉर्थ स्टार होता था उत्तरी तारा जो होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताता था, उत्तरी उत्तर दिशा को बताता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और उसको क्या पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और वो स्काई में आसमान में जो पोल स्टार होता है हमेशा एक ही पोजिशन में होता है वो। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, और सप्तऋषि के माध्यम से हम उस पोल स्टार की लोकेशन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको लोकेट उसको पता लगा सकते हैं। अब चित्र में लुक एट द फिगर 1.1, उसी चित्र में देखिए। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, अब आप देखिए जब एक इमेजिनरी लाइन एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स को और किसको उनको पॉइंटर स्टार्स को ज्वाइन करते हुए, और आगे वो जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, यहां से देखिए इसको यहां से एक्सटेंड किया पॉइंटर स्टार से, या आगे उसको एक्सटेंड किया, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार, और यहां पर किसको पॉइंट करेगा पोल स्टार को। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं आकाशीय पिंड होते हैं जिनकी खुद की न तो उष्मा होती है गर्मी होती है और न ही उनका प्रकाश होता है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, वे तो जो स्टार्स की जो लाइट होती है उससे वो में रोशनी दिखती है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और ऐसी बॉडीज को ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट जो होते हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। The word planet comes from the Greek word planetai, which means wanderers. और जो planet नामक जो शब्द है, जो planet है कहाँ से आया मालूम आपको? Greek word है ये, और इस planet का मतलब होता है wanderers. Wanderers यानी कि इधर उधर घूमने वाले, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। The earth on which we live is a planet. और ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो भी क्या है planet है, ग्रह है। It gets all its heat and light from the sun. और जहाँ इसको जो भी light और heat मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य से। Which is our nearest star? और ये हमारा क्या है? सबसे करीबी star है। कौन? सूरज। जो heat और light जो हमको प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? पृथ्वी को जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? वो sun से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, और ये सूर्य हमारा सबसे करीबी star है। ठीक है? If you look at the earth from a great distance, जब हम पृथ्वी को बहुत दूरी से देखते हैं it will appear to be shining just as the moon. तो ये जिस प्रकार से मून शाइन करता है उसी प्रकार से शाइनिंग करते हुए दिखेगी। The moon that we see in the sky is a satellite. और जो चंद्रमा हम आसमान में देखते हैं वो क्या है? एक प्रकार का सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ये हमारी पृथ्वी का साथी है। कौन? मून, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, पृथ्वी के अलावा 7 और ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं। Some of them have their moons too. और उनके भी खुद के भी moons भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं। Interesting fact देखिए आप साइड में देखिए। Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. Jupiter, बृहस्पति, Saturn, शनि और Uranus, ये जो planets हैं इनके आसपास हम आसपास क्या देखते हैं? Ring देखते हैं। These are belts of small debris. और ये जो आपको दिखते हैं ये क्या मालूम आपको? छोटे छोटे belts हैं, सॉरी बेल्ट्स हैं, पट्टे टाइप होते हैं डेब्रिस के। डेब्रिस यानी कि जो कूड़ा उड़ा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है उसके। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स, और इन रिंग्स को हम अर्थ से भी देख सकते हैं लेकिन उसके लिए एक पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। द सोलर सिस्टम, नाउ वी स्टडी अबाउट सोलर सिस्टम। The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. सूर्य और दूसरे
जो आठ ग्रह है वो सैटेलाइट्स और उसके अलावा जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। अब देखिए इसके पहले अब ये देखिए अपना सोलर सिस्टम है पूरा, ये सूर्य है, उसके बाद वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, फिर ये एस्टेरॉइड्स एक प्रकार के टुकड़े होते हैं, एस्टेरॉइड्स बेल्ट है, यहाँ पर देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है। देखिए अब इसकी सैटर्न की शनि ग्रह की जो है उसकी तो अपन रिंग देख सकते हैं। तो जो एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स देखिए इनका फॉर्म द सोलर सिस्टम, तो कहने का मतलब है कि सूर्य, आठ प्लैनेट, सैटेलाइट और एस्टेरॉइड मेटेरॉइड से सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली और इसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य कौन होता है, प्रमुख हेड कौन होता है इसका, सूर्य। देखिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट में इधर भी देखें, डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल क्या है, रोमन मैथोलॉजी की हम बात करें तो वह क्या है, सन गॉड है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, सोलर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, और इस प्रकार से सूर्य का जो परिवार होता है उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। चलिए तो हो गया, अब सन के बारे में अपन पढ़ते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और जो सोलर सिस्टम होता है उसके सेंटर में कौन होता है, सूर्य होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये बहुत विशाल होता है और एक गर्म गैसों से, बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है कौन, सूर्य। किस बात का सोर्स है वो, हीट का और लाइट का, सूर्य से हमको हीट और लाइट प्राप्त होती है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। अब देखिए सूर्य बहुत गर्मी होती है, सूर्य में बहुत गर्मी होती है, लेकिन क्या होता है हमको ज्यादा महसूस नहीं होती है क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारा नियरेस्ट स्टार है लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूर है, जिसके कारण क्या होता है इसकी हीट हमको ज्यादा महसूस नहीं होती है, लेकिन उसकी हीट तो इतनी है कि हम जल जाएं। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, 1 मिलियन में 1 अरब होता है, समझ जाइए अब कितना दूर है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। अब देखिए 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में और सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर उनका ऑर्डर, उनका क्रम देखिए। सबसे पहला है मरकरी, सबसे पास में, फिर वीनस, अर्थ, मरकरी मतलब बुध, वीनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मींस मंगल, जुपिटर मींस बृहस्पति, सैटर्न मींस शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो हमारा सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनका एक क्रम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। और इनको याद रखने का इजी यहां पर बताएगा, एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज। अब सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर उनका जो क्रम है उसको याद करने का एक तरीका यहां पर बताया गया है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वड अस नट्स। तो इसमें देखिए माय में एम मरकरी, वेरी का वी वीनस, एफिशिएंट का फर्स्ट जो लेटर है ई अर्थ, मदर का फर्स्ट लेटर मार्स, ठीक, जस्ट का फर्स्ट लेटर जे जिससे जुपिटर, सर्वड का फर्स्ट लेटर एस सैटर्न, अस का फर्स्ट लेटर यू यूरेनस और नट्स, नट्स का फर्स्ट लेटर एन नेपच्यून। वर्ड ओरिजिन, मेनी वर्ड्स, अब यहां पर देखिए आप लेफ्ट साइड में देखिएगा आप सेकंड वाला जो वर्ड ओरिजिन लिखा हुआ है, मेनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। अब देखिए कुछ वर्ड्स हम किसी भाषा में बोले जाते हैं तो हो सकता है कि हमको हमने वो वर्ड्स किसी दूसरी भाषा से लिए हो। जियोग्राफी की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है
जी मीन्स का मतलब होता है अर्थ, और ग्रेफिया का मतलब होता है राइटिंग या लिखना। अब यहां पर देखिए जियो से लिखा हुआ है, जियो में अगर अपन लॉजी लगा दें तो क्यों, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन जिसका अपन करते हैं उसमें। फिर होता है जियोमेट्री, फिर उसमें क्या, उसके अंतर्गत क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मेजरमेंट होता है वो जियोमेट्री में आता है। फिर आते हैं जियो ओल्ड, रिजेंबलिंग द शेप आर फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर इसके नीचे देखिए, डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, नाइट स्काई को देखने पर ह्यूमंस बहुत फैसिनेट होता है, उसको बहुत अच्छी उसको देखता है। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमर्स, तो वे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट का, उनकी गति का अध्ययन करते हैं, मूवमेंट का अध्ययन करते हैं, उनको एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनोमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, और प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनोमर है जिसका नाम है आर्यभट्ट। ही सेड दैट मून एंड द प्लेनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, उनका यह कहना है कि चंद्रमा और जो प्लेनेट से जो चमकते हैं वो किससे चमकते हैं, सूर्य का जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर जाता है उससे वो चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनोमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, और आज के समय में एस्ट्रोनोमर्स जो है पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, वो किस बात में व्यस्त है, वो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को की खोज करने में लगे हुए हैं। अब द प्लैनेट्स का अपन देखते हैं, तो प्लैनेट्स में अपन ने पढ़ा कि भाई अगर ऑर्डर देखें हम सूर्य से उसका प्लैनेट्स ओरिंग का, तो क्या है, मरकरी पहले, फिर वीनस, अर्थ, या मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, और जितने भी ये सभी 8 जो प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, और ये लंबे होते जाते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, इनको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी जो है बुध ग्रह है, वो सूर्य के बहुत ही सबसे पास में है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, और वो क्या करता है, कंप्लीट पूरा राउंड लगाने में 88 डेज लगाता है, 88 दिनों में कंप्लीट करता है। विनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अब देखिए विनस को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं, क्योंकि क्या ऐसा क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि उसका जो साइज और शेप है वो बहुत कुछ हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 से अगर बात करें, प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लेनेट, प्लूटो को भी प्लेनेट माना गया है। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटर